हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ सुनील कुमार फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस बीएचयू एंड यू आर वाचिंग एएसएस ट्यूटोरियल्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं अल्कीन का जो लास्ट पोर्शन बचा है ओजोनो लाइसिस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। इससे पहले अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो भाई तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा सपोर्ट कीजिए। इस चैनल में मिलने वाला आपको फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट टोटल कंटेंट्स मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अपन ओजोनो लाइसिस। तो ओजोनो लाइसिस पहला हम जो देखेंगे वो पहला ओजोनो लाइसिस होगा, दैट इज ओजोनो लाइसिस ऑफ अल्कीन्स। जो फर्स्ट ओजोनो लाइसिस हम लोग देखेंगे वो किसके बारे में होगा, अल्कीन्स के बारे में। फिर अपन अल्काइन्स के भी ओजोनो लाइसिस को डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो ओजोनो लाइसिस का बेसिस क्या है उसको हम देख लेते पहले। तो इसे मान लीजिए कि सी डबल बॉन्ड सी है यहाँ पर, ठीक है, और आपके सामने दिया हो ओजोन। पहला जो है वो ओजोन होगा। ओजोन के साथ कोई एक आर रिएजेंट होगा, ठीक है, और आपका प्रोडक्ट भी बनेगा। अब सब कुछ डिपेंड करता है इस आर रिएजेंट पर, ठीक है। ये आर रिएजेंट क्या है, ओजोन तो है तो ऑक्सीडेशन करेगा, तो क्लियर है, आपको भी समझ आ रहा है। लेकिन उसके बाद का चीज़ डिपेंड करेगा इस आर ग्रुप पर कि क्या प्रोडक्ट होगा, लिहाइड होगा। ऑक्सीडेशन के बाद देखिए ऑक्सीडेशन में क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था ऑक्सीडेशन में क्या होता है। सबसे पहले अल्कोहल रहता है, अल्कोहल ऑक्सीडाइज होता है किसमें, अल्डिहाइड या कीटोन्स में। कीटोन्स का ऑक्सीडेशन मुश्किल है लेकिन अल्डिहाइड का इजीली ऑक्सीडाइज होगा, और ये ऑक्सीडाइज होता है एसिड में। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, अल्डिहाइड बनेगा, कीटोन्स बनेगा, एसिड बनेगा, क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा, वो डिपेंड करता है आपके इस आर ग्रुप पर, ठीक है ना। बात समझ आ रहा ना। ओजोन का तो क्या काम है, देखिए ओजोन जो है आपका ये क्या करेगा, ये जो डबल बॉन्ड है आपको डबल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड को क्या करो, ब्रेक करोगे आप, ठीक है। एक ऑक्सीजन इस कार्बन को दो, एक ऑक्सीजन इस कार्बन को दो, जो बचा हुआ ऑक्सीजन है वो फिर गेम करता है, उसके गेम पर डिपेंड है क्या होने वाला है, उसका गेम इस आर से रिलेटेड होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये सिंपल सा चीज़ है। अब देखिए हम पहले उस आर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, रिएजेंट क्या क्या हो सकता है। तो देखिए पहला हो सकता है H2O या जिंक दिया हो सकता है। दूसरा आपके पास क्या दिया सकता है, LiLH4 दिया हो सकता है या NaBH4 दिया हो सकता है, ठीक है, दोनों में से कोई। तीसरा जो ग्रुप है उसमें सिर्फ H2O दिया रहेगा, ठीक है, इसमें जिंक क्या होगा, अब्सेंट होगा, जिंक विल बी अब्सेंट, ओनली H2O विल बी प्रेजेंट, ठीक है, ओनली H2O होगा, जिंक अब्सेंट होगा यहाँ पर। अब आइए यदि H2O या जिंक है तो जो प्रोडक्ट बनेगा आपका वो अल्डिहाइड बनेगा, ठीक है, या कीटोन्स बनेगा, अल्डिहाइड या कीटोन। LiLH4 NaBH4 आपको पता है, LiLH4 और NaBH4 मैंने बताया था, दे बोथ आर हाइड्रोजन डोनर, हाइड्राइड डोनर, हाइड्राइड डोनर, इसका मतलब ये लोग कहीं ना कहीं रिडक्शन में हेल्प करेगा। बोथ आर NaLH4 हो या NaBH4, दोनों क्या है, हाइड्राइड डोनर है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों रिडक्शन में हेल्प करेगा आपके, ठीक है। यदि रिडक्शन में हेल्प कर रहा है तो फॉर्मेशन किसका होगा, अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, आप क्लियर है यहाँ पर आपको, ठीक है, अल्कोहल विल बी फॉर्म, कहीं ना कहीं अल्कोहल बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि H2O हो लेकिन जिंक अब्सेंट है, ठीक है, तब यहाँ क्या बनेगा, एसिड, मतलब पहले तो बनेगा एल्डिहाइड, लेकिन जो एल्डिहाइड बना है दैट एल्डिहाइड विल बी कन्वर्टेड इनटू एसिड। लेकिन जो आपका कीटोन है, कीटोन को मैंने पहले ही बोल दिया, कीटोन का ऑक्सीडेशन मुश्किल है, कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं होता इजिली, तो कीटोन कीटोन में ही रहेगा, और जो एल्डिहाइड है वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान रखना आपको ये, H2O के साथ यदि जिंक नहीं है तो एसिड बनेगा, लेकिन H2O के साथ यदि जिंक है तो एल्डिहाइड बनेगा। क्यों बनेगा उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसके लिए घबराई नहीं है आप, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी, देखिएगा ध्यान से। तो आप जानते हैं ये जो मैंने क्या बोला, ओजोन में से क्या है, ओजोन का दो ऑक्सीजन तो कहाँ चला गया, डबल बॉन्ड को काटने में, देखिए दो ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड जो कटा तो एक ऑक्सीजन यहाँ लगा, एक ऑक्सीजन यहाँ लगा, ठीक है, दो ऑक्सीजन तो इसमें चला गया। अब एक जो ऑक्सीजन है इसके अलावा, एक जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन वो कहाँ मिलेगा, ये ऑक्सीजन गेम करेगा, ठीक है। अब देखिए आपने लिया है H2O लिया है, साथ में क्या लिया है, जिंक। तो जिंक क्या करता है, इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, जिंक क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके बना देगा ZNO। यदि जिंक कंबाइन कर लिया इस ऑक्सीजन को और बना दिया यदि ZNO, तो ये ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं रहेगा, यानी कि जिंक क्या कर रहा है, इस एक ऑक्सीजन को हटा दे रहा है, यानी कि यदि जिंक है तो जिंक क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को कंबाइन करके ZNO बना लेगा। तो जो अल्डिहाइड है, जो अल्डिहाइड वेट कर रहा था कि भाई वो ऑक्सीजन उसके पास आएगा, वो ऑक्सीजन उसके पास नहीं पहुंच पाएगा, फिर से। देखिए ओजोन में क्या हुआ, ओजोन ने दो ऑक्सीजन छोड़ा जो कि दो कार्बन के पास चला गया, एक जो ऑक्सीजन है ये डिपेंड करेगा क्या करना है। तो मान लीजिए एक अल्डिहाइड बैठा है, ठीक है, और जिंक भी बैठा है, तो एक ही ऑक्सीजन है, तो यदि जिंक रहता है तो क्या करता है, जिंक इस ऑक्सीजन को कैप्चर करके क्या बना देगा, ZNO बना देगा। तो ऑक्सीजन अल्डिहाइड के पास नहीं जा पाया, अल्डिहाइड के पास नहीं जा पाया तो एसिड आपका नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो जिंक होता है, तो जिंक के प्रेजेंस में आपका एसिड नहीं बन पाता है, बात समझ आ रहा ना, जिंक के प्रेजेंस में एसिड आपका नहीं बन पाएगा भैया। यानी कि मैं और क्लियर कर दूं आपको, यदि आपने H2O लिया है तो H2O के साथ आपने H2O लिया है, ठीक है। अब चलिए इस O का बात करते हैं, तो ये O कहाँ कहाँ काम कर सकता है, ध्यान से।
यदि ये ऑक्सीजन फ्री है, मतलब सिर्फ जिंक नहीं लिया है, तो क्या करेगा, एल्डिहाइड के साथ कंबाइन करके क्या बना देता है, एसिड बना देता है यदि जिंक अब्सेंट है तो। लेकिन वही जिंक यदि प्रेजेंट है, जिंक प्रेजेंट है तो क्या बना लेगा, ZNO बना देगा, ठीक है। लेकिन यदि कीटोन मिले तो कीटोन कीटोन ही रहता है, क्योंकि कीटोन का ऑक्सीडेशन होना बहुत मुश्किल है, कीटोन ऑक्साइड नहीं हो पाएगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ध्यान रखना आप ये कंसेप्ट समझ गए आपको। उसके बाद मैंने बताया दिया आपको LiLH4 हो या आपका NaBH4 हो, ये दोनों क्या है, हाइड्राइड डोनर है। हाइड्राइड डोनर में तो हाइड्रोजन को डोनेट करेंगे, हाइड्रोजन डोनर है, हाइड्रोजन डोनर यानी कि रिडक्शन में हेल्प करेंगे, तो अल्कोहल का बनेगा फॉर्मेशन, अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। तो क्वेश्चन क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है, CH3 ठीक है, और ये आपका क्या है, यहाँ भी CH3 है। अब इसके तीन रिएक्शन करवाऊंगा मैं, पहला जो होगा वो जिंक H2O के साथ आपसे पूछा जाएगा प्रोडक्ट बताइए, दूसरा जो रिएक्शन होगा वो होगा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ प्रोडक्ट बताइए, तीसरा जो होगा दैट इज ओनली विथ H2O प्रोडक्ट बताइए आप, ठीक है ना। तो आपको सिंपल क्या करना है, ये जो डबल बॉन्ड दिख रहा है ना, डबल बॉन्ड, ये जो डबल बॉन्ड दिख रहा है इसको ब्रेक करना, काटना है यहाँ पर, एक ऑक्सीजन यहाँ लगाना है पहले, तो पहले इस वाले को लिखते हैं ऐसे, किस तरीके का, CH3 सी डबल बॉन्ड हो H, ये बन गया, इस वाले पार्ट को लिखिए क्या बनेगा, सी डबल बॉन्ड हो CH3 इस वाले कार्बन के साथ बनाना है, इस वाले कार्बन के साथ बनाना है, तो ये क्या है, एल्डिहाइड है, ठीक है, और दिस इज योर कीटोन। अब आते हैं पहला जिंक और H2O, तो जिंक और H2O यदि प्रेजेंट है तो एल्डिहाइड रहेगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, एल्डिहाइड प्लस कीटोन, कीटोन तो कीटोन रहेगा, कीटोन तो कहीं हर जगह कीटोन ही रहेगा, अब चूंकि जिंक प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन एल्डिहाइड को नहीं मिल पाएगा, तो एल्डिहाइड ही रहेगा, ठीक है। इसके अलावा ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, एच छोड़ेगा मतलब रिडक्शन करेगा, ठीक है, ये क्या करेगा, रिडक्शन करेगा, तो वेदर कीटोन सो एल्डिहाइड दोनों बन रहा है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों अल्कोहल फॉर्म करेंगे, ठीक है, दोनों अल्कोहल में बदल जाएंगे, बस समझ आ रहा ना, ये बन जाएगा CH3 COH2 कीटोन है, ये इसमें बदल जाएगा, और जो एल्डिहाइड है वो जाएगा CH3 COH, ठीक है, CH2H, बस समझ, दोनों को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, सिर्फ H2O है तो एल्डिहाइड किस में बदल जाएगा, एसिड में, ये जो एल्डिहाइड है ये एल्डिहाइड एसिड में बदल जाएगा, कीटोन कीटोन में ही रहेगा, तो ध्यान रखना आप ओजोन लाइसिस आसानी से बता सकते हो ऐसा, ठीक है भैया। चलिए तो इस चीज़ का आप अच्छे से ध्यान रखोगे, ओजोन लाइसिस में क्या हो रहा है, तो मैं फिर से एक बार आपको रिपीट कर दूँ, यदि जिंक के साथ H2O प्रेजेंट है, यदि जिंक के साथ H2O प्रेजेंट है, ठीक है, जिंक यदि प्रेजेंट है तो, जिंक प्रेजेंट है तो सिर्फ एल्डिहाइड या कीटोन्स बनेगा, ठीक है, यदि सिर्फ H2O प्रेजेंट है यानी कि जिंक अब्सेंट है तो एल्डिहाइड तो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन कीटोन कीटोन ही रहेगा, ये ध्यान रखेगा आपको, ठीक है। और यदि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ऐसा कोई प्रेजेंट है तो अल्कोहल बनेगा, दोनों एल्डिहाइड और कीटोन दोनों अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये बेसिक था। अब आते हैं हम लोग ओजोन लाइसिस ऑफ अल्काइंस में, ठीक है, तो पहला अपना RC(CR), ठीक है, इसका रिएक्शन होगा ओजोन से, ओजोन तो सब में कॉमन रहेगा, उसके बाद रिएजेंट वेरी करेंगे अपन, ठीक है, उसके बाद रिएजेंट वेरी करते हैं, तो यहाँ पर आप जिंक H2O ले लो, जबकि यहाँ पर आप लिथियम एलुमिनियम हाइड्राइड ले लो, और एट दिस प्लेस आप H2O ले लो, ठीक है, जिंक नहीं है यहाँ पर, बात क्लियर है ना। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, सिंपल सा, इसमें आपको दो बोन काटना है, ठीक है, दो बोन कटेगा, एक ऑक्सीजन जुड़ेगा, एक ऑक्सीजन यहाँ जुड़ेगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा, RC(OR), ठीक है, बस ओ लगाना है किस तरह करके, अब जितना बोन काटो जिससे भी बनाना है ओ लगाना है, ठीक है। चलिए उसका लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो RC(COH)R, यहाँ भी H लग जाएगा, यहाँ भी H लग जाएगा। अब सिर्फ H2O प्रेजेंट हो, यदि सिर्फ H2O प्रेजेंट है तो क्या होगा, सबसे पहले तो यही बनेगा RC(COC)R यही बनेगा, लेकिन अब H2O है, सिर्फ H2O प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है, ये भी बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और एक एक ये बॉन्ड ब्रेक होगा, सिंपल सा, ठीक है, और इस बॉन्ड के ब्रेक होने से, और इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, पार्शियली ब्रेक करते हैं, और उसमें जो एक ऑक्सीजन बचा वो बीच में चला जाएगा, क्योंकि सुनिए दो ऑक्सीजन तो है नहीं जो कि इंडिविजुअल हम दोनों के एसिड में कन्वर्ट कर पाए, दोनों एसिड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, तो एक ही ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन क्या होता है, इसके बीच में जो दो CO है ना उसके बीच में चला जाएगा, और क्या बना लेगा आपका, ये एसिडिक एनहाइड्राइड बना लेगा, ठीक है, ये बहुत जरूरी है भाई, ये पता होना बहुत जरूरी है कि एसिडिक एनहाइड्राइड कैसे बनना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफी कंफ्यूजन होता है, ये ओ कहाँ चला जाएगा, बीच में चला जाएगा, इस दोनों बॉन्ड के बीच में ओ चला जाएगा और ये बनेगा कंपाउंड आपका, ठीक है, और इसका यदि आप हाइड्रोलाइसिस कर देते हो तब आपको एसिड मिलेगा RCOH, ठीक है,
तो ये वाला पार्ट ध्यान रखना आप। ये इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ जो ऑक्सीजन आ रहा है, अब दो ऑक्सीजन है नहीं कि दोनों को मिले, क्योंकि यहाँ पर दो सी डबल बॉन्ड है, दो सीओएच बन सकता है, तो दो ऑक्सीजन तो है नहीं, अब एक ही ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन क्या करो, अब उसको बीच में लाना पड़ेगा आपको, ठीक है, ये ध्यान रखना भाई, यही सबसे बड़ा मिस्टेक होता है यहाँ पर। चलिए अब आते हैं हम लोग, तो एक चीज ध्यान रखना आप, जब भी H2O का अल्काइन के साथ रिएक्शन हो, मतलब H2O और इसका ओजोन का, मतलब क्या अब्सेंट हो, जिंक अब्सेंट हो, ठीक है, और अल्काइन के साथ हो रहा है, तो मैं 10 बार लिखूंगा यहाँ आपको, आपको ध्यान रखे, ध्यान रखे, 10 बार लिखूंगा मैं, तो आपको ध्यान रहे, ध्यान रहे, ध्यान रहे, क्यों ध्यान रखना है, क्या है, क्यों ध्यान रखना है, क्यों ध्यान रखना है, क्यों ध्यान रखना है, जो ऑक्सीजन हो कहाँ जाएगा, ऐसा बनाएगा, ऐसा बनाएगा, ऐसा बनाएगा, ठीक है, ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना भाई, जब ऐसा होगा तो। चलिए अब आते हैं हम लोग फंक्शंस ऑफ जिंक, जिंक क्यों ले रहे हैं हम लोग, उसका फंक्शन आप देख सकते हैं, मैंने बता दिया जिंक से क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, ठीक है ना। हाँ, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ फॉर्मल्डिहाइड इज फॉर्म इन अब्सेंस ऑफ जिंक, यदि फॉर्मल्डिहाइड बनता है इन अब्सेंस, इट फर्स्ट गेट ऑक्सीडाइज इनटू फॉर्मिक एसिड एंड फाइनली इनटू, मतलब जैसे मान लीजिए ये मान लीजिए आपका एल्डिहाइड बन गया, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड बन गया, फॉर्मल्डिहाइड जिंक नहीं है तो ऑक्सीडाइज किस में जाएगा, फॉर्मिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा भाई, और फॉर्मिक एसिड अनस्टेबल हो जाता है, तुरंत ब्रेक हो जाता है CO2+H2 में, ध्यान रखना आपको, ठीक है, इसलिए स्टेटमेंट जैसे का था तो सुन लीजिए आप क्या, इफ फॉर्मल्डिहाइड इज फॉर्म्ड इन अब्सेंस ऑफ जिंक इट फर्स्ट गेट ऑक्सीडाइज इनटू फॉर्मिक एसिड एंड फाइनली इनटू CO2+H2O व्हाइल अदर रिमेंस अदर एसिड्स डू नॉट कन्वर्ट इनटू CO2+H2O, ध्यान रहेगा आपको अच्छे से भाई। चलिए इसके अलावा दो तीन पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, उसे भी आप सुनते जाइए, ऑक्सीजन देखिए, यदि KMnO4 के साथ भी कभी कभी ऑक्सीडेशन दिया जाता है, तो KMnO4 में क्या क्या प्रोडक्ट बनाना, ध्यान किया, यदि अल्कीन है तो अल्कीन कन्वर्ट होगा किसमें, एसिड प्लस कीटोन में, अल्कीन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड प्लस कीटोन में, यदि KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो, और यदि आपका अल्काइन है तो अल्काइन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, दोनों एसिड में, एसिड प्लस एसिड में, आसानी से बता, तो KMnO4 भी रहे तो यही करना आपको, ठीक है। तो ये था आपका अल्कीन चैप्टर खत्म हुआ यहाँ पर, ठीक है, अल्कीन चैप्टर क्या हुआ, खत्म हुआ, तो आप बता दो यार प्लीज कि आपको अल्कीन चैप्टर के जो भी वीडियोस हैं वो कैसे लगे, ठीक है, बताओ कमेंट करके कैसे लगे और अच्छा लगा कि नहीं लगा, और अपन नेक्स्ट जो अपना नेक्स्ट डिस्कशन होगा, नेक्स्ट वीडियो होगा, उस पर अपन शुरू करेंगे अल्काइन। सो थैंक यू वॉचिंग।